अगर ठीक है उनको टाइम चाहिए था तो इलेक्शन के बाद भी वो टाइम ले सकते थे केजरीवाल को अंदर जाने के लिए। जब केजरीवाल ने बोला कि लेडीज के नाम से हम 1000 रुपया दिए, तो मोदी जी ने माँ बहनों को क्या ब्लैकमेल किया कि हमने सिलेंडर देंगे, तो फिर मोदी जी पहले जाना चाहिए कि मोदी जी ने स्कीम निकाला। हाँ 100% है कि मोदी जी को जेल जाना चाहिए, पहले जाना चाहिए था, उसके बाद केजरीवाल मोदी जी को जेल जाना चाहिए। तो मोदी जी का गुनाह तो बताए जेल जाने का, ब्लैकमेल क्या बोला? ब्लैकमेल इसलिए किया गया कि केजरीवाल ने जैसी बोला, पहले मोदी जी की स्कीम निकली, पहले उसने बैग बांटे राशन दुकानों पे, गरीबों को लालच दिए, उसके बाद सिलेंडरों को लालच दिए। जैसी हम लोग को यही सुझाव आई है कि जैसी केजरीवाल ने बोला कि जिस लेडीज को माँ या बहन हो ऐसी दोनों बोलते हैं, सेम बढ़ा कि केजरीवाल 1000 रुपया देंगे, तो फट से 2 दिन के बाद ही केजरीवाल को जेल में डाल दिया गया। उससे पहले ही क्यों? हाँ बेइंसाफी है। अगर ठीक है केजरीवाल 100% गलत है, सर क्या बोलेंगे? सर बात वही है ना, ईडी और कोर्ट का फैसला है, तो इसमें मतलब बीजेपी और आम आदमी वाली बात कहाँ रहेगी? मैं तो यही बात समझ में नहीं आ रही, मतलब हर मतलब जो भी विपक्ष का काम एक ही बात है कि मोदी जी मोदी जी मोदी जी। क्या बोलेंगे सरदार जी? मैम ने बोल दिया है कि कहीं ना कहीं केजरीवाल को गलत फंसाया मोदी जी ने, षड्यंत्र कर रहे हैं मोदी जी। मोदी जी ने क्यों फंसाया यार, ईडी ने देखा, ईडी जब एक पे एक दारू फ्री मिल रही थी तब क्यों नहीं जेल में डाला मोदी जी ने? उस दिन भी तो ईडी देखी थी क्या? उस दिन ईडी मर गया था, उस दिन ईडी नहीं था, कोर्ट नहीं था। नहीं नहीं, उस दिन कोर्ट नहीं था। मोदी जी भी माँ बहन, केजरीवाल भी माँ बहन, आप क्या घर में माँ बहन नहीं है? हम लेडीज को इस्तेमाल किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? मेरी बात सुनिए, इतना नाराज मत होइए, इतना नाराज नहीं है। अब जवाब सुनिए, आप बार बार कह रही हैं कि मोदी जी ने केजरीवाल को अंदर कर दिया, नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। मोदी जी को आप कह रहे हैं कि मोदी जी को जेल में जाना चाहिए, मोदी जी तो जेलर हैं, जेलर। मोदी जी, अब देखिए आप बोली, मैं नहीं बोला, अब मैं बोलूंगा तो आप बोलिए। मोदी जी सुप्रीम कोर्ट के जेलर हैं, वो जिसको चाहे उसको अंदर कर देंगे। आप अगर ज्यादा बोलेंगी आपको अंदर कर देंगे। हाँ सुनो, एक सेकेंड बोलने दो, एक सेकेंड। अगर नहीं नहीं एक सेकेंड, अगर मोदी जी का एहसान इस जन्म में नहीं उतार सकते, 12-15 करोड़ शौचालय दिए, 20 करोड़ सिलेंडर दिए, उजला में सारे यूपी में, सारे देश में। नहीं, तो मोदी तो बिहार में है, दिल्ली में भी तो बैठा है, मोदी स्पेशल यूपी में बैठा है। नहीं नहीं, दिल्ली से दिल्ली के लेडीज मर गई, दिल्ली की लेडीज के पेट नहीं है, यूपी के लेडीज के पेट है। दिल्ली को भी दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं। मोदी फांसी देगा तो क्या मोदी को फांसी नहीं देगा कोई? ऐसे बात बोल रहे हो, मोदी जी को फांसी मिली? मोदी जी ने किसी को फांसी नहीं दी। आप कैसे बोल रहे हो कि जेलर का मालिक है वो? कौन होता है जेलर का मालिक? मोदी जी अंदर जाएगा, जाएगा, मोदी जाएगा, नहीं जाएगा, जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। सरदार नहीं, गलत, इसका मतलब गलत बात नहीं, गलत बात। आप मर्यादा में, मर्यादा में बताइए सर क्या बोले? तो बोल रहे हैं कि मोदी जी को भी जेल जाएंगे अगर केजरीवाल जेल गए। नहीं खैर, मोदी जी का तो कोई मसला नहीं है इसमें, वो एक बहस है, एक मुद्दा है खैर, लेकिन मोदी जी का कोई शेष नहीं बनता जाने का। और रहा सवाल अरविंद केजरीवाल का, तो उसका जवाब कोर्ट में है ना, कि उसमें मोदी ने फंसाया, ना मोदी ने भेजा, ना मोदी ने भेजा उनको। ये तो कोर्ट का फैसला, कोर्ट इस पर निर्णय लेगी कि क्या सही है क्या गलत। मोदी को माइक पे बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं? हम सोचते हैं कि अगर आप लोग को लगता है कि मोदी जी सही है, तो मोदी जी को 5 साल मत लाइए 28 तक के, मोदी जी को 40 तक के अब लाइए, तो जानेंगे पब्लिक की सहमति। लेकिन एक औरत की सहमति नहीं है, कहे कि मोदी जी ने न शौचालय दिया, न कोई योजना मिली। हम सब दिल्ली की कोई एक महिला नहीं, हम 5 लाख महिला खड़ा करेंगे अगर चाहिए मोदी जी को, तो एक बार सामने मोदी जी आ जाए फिर हम बोलेंगे। महिला बाहर जा रही है, हम सब बाहर जाते हैं। एक एक करके जवाब ले लेते, क्या बोलेंगे सर? ना टॉयलेट दिया, ना शौचालय दिया, ना घर दिया। खैर मैं तो यूपी से हूँ, गाजियाबाद से, तो गाजियाबाद में तो सारी फैसिलिटी है जी, लेडीज सुरक्षा भी है यहाँ पे गाजियाबाद में, तो लेडीज सुरक्षा है गाजियाबाद में। भैया हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, मैं सरकार लाओ ना। नहीं नहीं, एक बात बोलूं, आप सरकार बदलो दिल्ली में, सरकार लाओ ना भाजपा की। नहीं नहीं, बिहार में तो वो है नीतीश कुमार। नीतीश क्या वहाँ क्या गलत हुआ बताओ? तो क्या सरकार बदली है बिहार में? शौचालय मिली दिल्ली, वहाँ गलत क्या हुआ? नहीं नहीं, गलत नहीं हुआ, तो बिहार के आदमी मोदी को चाहेगा, दिल्ली के अगर आदमी को केजरीवाल ने दिया। जितना लेडीज के लिए मोदी जी सोच रहे, मैंने अभी तक ऐसी सरकार में किसी सरकार में नहीं देखा। जितनी मैं हकीकत बता रहा हूँ, अपने घर में पूछना, घर में सब सेफ है, सब सेफ है, सब सेफ है।
चलो आपके घर जितने स्पेशल होंगे सब गुंडे सब कोई जेल में खड़ा है, किसी को गोली लगी, किसी का एनकाउंटर हुआ है, ये आप व्यक्तिगत अटैक कर रही हैं। कितना गुंडा है आप ये पता है? वो मुसलमानों को कट्टर है, उसको मानू मैं कुरैशी हूँ। तो फिर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलमान कुरैशी है। राज चलवा रहे हो? मेरा कारोबार चल रहा है, तो फिर? सबसे ज्यादा कारोबार बढ़ावा दे रही भाजपा सरकार। आप ही का मुसलमान मैं खड़ा कर दूँ? 5 लाख मुसलमान खड़ा कर सकते हैं कि मोदी को हराना चाहता है? कौन हराएगा? नहीं हरा पाएगा, आप नहीं हरा पाएंगे। नहीं नहीं चलो आप नहीं हरा पाएंगे, आप सब जान गए हैं, आप पॉलिटिक्स में राजी हो, आप सब जान गए हैं कि किसको हराना है किसको जिताना है। मैडम आप बताओ, आप बोलो। हमारे मीट कारोबार चल रहे हैं, मुर्गा व्यापार चल रहा है, बताओ क्या चीज बंद हुई? ठीक है भाजपा सरकार में कुछ ही बंद हुई? भाजपा में नहीं बंद हुई, ठीक है। क्या सपा और कांग्रेस? नहीं नहीं हमारे सामने मीट हराम है, हमारे में हराम है। क्यों खा रहा है? एक मुसलमान बताओ। चलो चलो ना, मुद्दा नहीं है ये, मुद्दा नहीं है ऐसा, ये चीज गलत है। हम आंखों के सामने देख रहे हैं। तो मैडम वो जेल जा रहा है? नहीं जा रहा मुसलमान। यूपी में योगी महाराज जी की सरकार है, सब जेल जा रहा है। आप यूपी की बात क्यों? सब जेल जा रहा है, आप उसी से निश्चिंत रहो। कुरैशी जी आप बताइए क्या मतलब, आप खुद मुस्लिम है, मैम बोल रही है की अत्याचार कर रहे हैं अमित शाह, मोदी जी अत्याचार कर रहे हैं मुस्लिमों को। भाई कोई अत्याचार नहीं हो रहा, कारोबार को बढ़ावा मिल रहा है। जितना हमारे यूपी में महिला सेफ है उतना मैं समझता हूँ कोई सेफ नहीं। मुस्लिमों के साथ भेदभाव वाली बात, हमारे यहाँ मोबाइल छीन रहे हैं, अभी पीछे आए थे मोबाइल छीन के लेके एक मिनट सदर बाजार से। क्या कर रही है आगे? कुछ भी नहीं करा, कुछ ही नहीं। हमारे बच्चे जब पेपर देने गए, स्पोर्ट फैसला होता मैडम, हमारे यहाँ साइबर क्राइम है, तुरंत एक्शन लेती है पुलिस के। जब 3 दिन में हमारे डीसीपी ने 1100 मोबाइल बांटे हैं, 3 दिन में 1100 मोबाइल बांटे हमारे यहाँ डीसीपी ने, जो 3 दिन से छीने गए थे। सुनाओ जो पुलिस के पेपर हुई अभी सब दिया बच्चों ने, कितने बच्चों को पेपर तो रद्द छोड़ दो, कितने बच्चों को मोबाइल, हमारे घर में खुद बच्चे की मोबाइल गई, पैंट शर्ट तक के चली गई बैगों का, बच्चा रोता हुआ घर आ गया। आप ऐसे यूपी की बात बोल रहे ना? अरे बाप, वो तो पेपर लीक हो ना, वो जांच का विषय है। अरे भैया लीगल ये मुद्दा नहीं है मैडम, मेरी मैडम जी इस पे बताइए, जो मैम ने आरोप लगाया कि मोदी जी जो है, योगी जी हैं, अमित शाह हैं, भेदभाव करते हैं, आप खुद मुसलमान हैं, यूपी से आते हैं, ये जो आरोप लगाए भेदभाव उसके खिलाफ है कि भाई आदमी मैं मुसलमान हूँ, इंडिया में रह गया, मैं कहूँ पाकिस्तान जिंदाबाद, तो भेदभाव यहाँ होगा, उसके लिए भेदभाव है। अगर मैं हिंदुस्तान में रहूंगा तो हिंदुस्तान का गुनगाने चाहिए। भाजपा उसके खिलाफ है, भाजपा मुसलमान के खिलाफ नहीं है। तो फिर कांग्रेस को क्यों लाने के लिए परेशान? कांग्रेस ने अगर सही पूछो ना आप, आज मैं सही बताऊं, कांग्रेस ने 100 साल राज करा, सिर्फ मुसलमानों को भड़काने का, मुसलमानों को राजनीति करने का उनने शोषण किया, भाजपा ने कोई यूज नहीं किया। भाजपा कहती है सबका साथ सबका विकास। आप कौन होते बताने वाले, मुसलमान है मुसलमान नहीं है? बोल सकती हूँ, गलत बात है, आप ये मत बोलिए ये मुसलमान है मुसलमान। मैं अपनी डॉक्यूमेंट दिखाऊं। आप हिंदू नहीं है? आप हिंदू नहीं है? मैं ही नहीं चाहिए दिखाऊंगा यहाँ पे? आप पहले तो मोदी जी का एक गलत फैसला बताओ ना आप। मोदी जी आएंगे चोरी करके, वोट आएंगे चोरी करके, आए हैं चोरी करके, हारने वाला यही कहेगा, वही कर्नाटक में जीत जाते हैं तो कहते हैं चोरी तो है। क्या बोले कुरैशी जी, ये बोल रहे हैं जेल में गए सब चोरी तो है? कैमरा मैन उसको मत ऐसा है। देखो कल तक राम मंदिर का मुद्दा था, कल तक राम मंदिर का मुद्दा था, 400 पार है मोदी वोट नहीं मैडम, 400 सीट मोदी ने राम, कांग्रेस सरकार में 400 वोट राहुल गांधी को मिलेगा पप्पू। सुन नहीं हुआ, 100 करोड़ लोगों का दिल चुरा लिया कांग्रेस सरकार में, राम मंदिर का मुद्दा था, कहाँ जा रहे हो मैडम? सुन लो, कांग्रेस सरकार में राम मंदिर का मुद्दा था, उस पर लड़ाई झगड़ा कराया, हिंदू मुसलमान, सपा की सरकार थी उनने गोली चलवाई हिंदू पे, आज सरकार भाजपा की है, फैसला हुआ, वो सरकार का फैसला नहीं था, वो फैसला हमारे सुप्रीम कोर्ट का था। ठीक है सुप्रीम कोर्ट के था, उसके अंदर मस्जिद के लिए अलग दी गई जगह और मंदिर के लिए जो जगह स्थापित थी वो मंदिर के लिए वहाँ पे रिलीज कर दी, ये भाजपा ने नहीं करा, लेकिन सरकार में भाजपा में हुआ है। ठीक है सरकार ने, कांग्रेस ने तो सिर्फ लूटा है लोगों को, दिल्ली की आवाम को भी, अगर दिल्ली की बात करोगे, आधार कार्ड, शौचालय, जितने भी सब चीज थी ये सब कांग्रेस की देन थी, इन्होंने सब ये बंद करके रख रखे थे कि ऐन वक्त पे खोलेंगे, लेकिन ये बदकिस्मत है सरकार बदल गई इनकी और ये भाजपा की आ गई, भाजपा ने सब चीज को लागू कर दिया। मैं अपने कुरैशी समाज की वोट की बात बताता हूँ तुम्हें, मेरी सुनो अजी मैडम, सुनो मेरी बात, कल तक सपा सरकार यूपी में थी हमारे, सपा सरकार के अंदर क्या होता था, लाइसेंस नहीं थे,
किसी भी चीज के। आज भाजपा कह रही गोश्त बेचो, मीट बेचो, लेकिन लाइसेंस लेके बैठो, रजिस्टर करके बेचो। भाई कोई हिंदू जा रहा है, कोई कोई नहीं खाते, बहुत से लोग हिंदू नहीं खाते हैं, कोई जा रहा वहाँ पे नहीं खाते ना, तो अगर आप जाओगे वहाँ पे दिखाई देगा गोश्त टंगा हुआ, खून मवाद, उसके अंदर कोई चीज दिखेगी तो कैसे लगेगा आपको। लेकिन योगी सरकार ने, महाराज जी ने क्या कहा कि इसको बंद करो और लाइसेंस लो प्रॉपर तरीके से, शीशा लगाओ, टांग दो, नहीं नहीं नहीं, यही बोलते हैं शीशा लगाओ ब्लैक, ताकि बाहर वाले को किसी को दिखाई ना दे कुछ कि ये गोश्त बेच रहे हैं, जिसको खाना है वो लेके जाएगा बेच रहा है। ठीक है, अयोध्या जी मंदिर बनाया, अब आपको कुरैसी को बोल रहा है कि पर्दा लगा के ब्लैक शीशा, कार में ब्लैक शीशा लगाना अलाउ नहीं है, लेकिन में तुम्हें काला शीशा लगाने के लिए मोदी ने बोल दिया होता है ना, नहीं नहीं कार के अंदर सोशल है, क्या बोलेंगे मैडम जो बोल रही है, ये खुद मुसलमान है, बोले कि इससे एक चीज तो पता चलती है कि हिंदू मुस्लिम एक दूसरे का विरोधी होना हो, हिंदू हिंदू का विरोधी है, उसको बड़ी पीड़ा है, उसको एक्चुअली में क्या अच्छा लग रहा था, बम धमाके अच्छे लगते थे, सेना को पत्थर मारने वाले पत्थरबाज अच्छे लगते थे, एम्स 1947 से 2003 तक एक बना हुआ अच्छा लगता था, आज 22 एम्स अच्छे नहीं लगते, आज IIT अच्छे नहीं लगते, आज 41 वंदे भारत ट्रेनें अच्छी नहीं लगती, आज विश्व के ऊपर जो संबंध, आंटी सुन तो लो, आंटी सुनो अच्छी बात है, अंकल अंकल सब गलत है, तुम्हें पैसा दीदी, अरे दीदी क्या कुरैसी ने मैडम को मिली फ्री बिजली, फ्री राशन मैडम को मिल रहा, तो मैडम इसलिए उसके पक्ष में। सुनिए, हाँ तो गाड़ी के अंदर अगर महिलाओं के साथ मिसबिहेव होता है वो आप एक्सेप्ट करेंगी? अरे बताइए, अरे बताइए, अरे आइए, अरे बताइए, अरे बताइए, ये विपक्ष वाली चाल मत दिखाइए, विपक्ष वाला काम मत करिए मैडम, विपक्ष वाला काम मत करिए, विपक्ष वाला काम मत करिए, मुसलमानों को खिला रहे हैं, कौन कौन खिला रहा है, देखो सामने खिला रहे हैं, अरे भैया ये बिक गई है गवर्नमेंट, ये बिक गई है गवर्नमेंट, अरे बिक गई, ये हमारे देश की दुर्भाषा है, क्या प्रधानमंत्री को गाली बकरी हो, ऐसे लोग अगर और कहीं होते तब तक गर्दन गड़ाक हो जाती। देखिए पता है क्या, विचारधारा का फर्क है, कई लोग ऐसे हैं इनके बच्चे शराब ना पिए इनको ये चाहिए, पड़ोसी का बच्चा गिर जाए, इनका बच्चा जुआ ना खेले, बदमाश ना बने, पड़ोसी का बन जाए, लेकिन गाली किसको देंगे, सरकार को जो सुधारने का काम कर रही है। जब इनके बच्चे बिगड़ेंगे, जब इनके बच्चे आतंकवाद के अंदर भगवान ना करे घायल हो जाएंगे, जब इनके बच्चों के ऊपर कोई अत्याचार कर जाएगा तब इनको रोना आ जाएगा, हाय तौबा क्या हो गई, लेकिन दूसरे के बच्चे का दुख इनको नजर नहीं आएगा, दूसरे के बच्चे का दूसरे घर में रोटी मिली नहीं मिली इनको नजर नहीं आएगा। ऐसे लोग जो है ना, मुस्लिम हिंदू का विरोधी होना हो, जिस दिन ये लोग सुधर गए ना सर, अभी तो POK लेने की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान लेने की बात करते हैं, टाइम नहीं लगेगा। अच्छा क्या बोले कुरैशी जी, महिला इतने एलिगेशन लगा के गई आपके ऊपर, इतनी जो बातें बोल गई, महिला कोई व्यक्तिगत कोई बात है वो कहीं ना कहीं यहाँ तक बोल दिया कि आप खुद मुस्लिम नहीं, वो कहीं ना कहीं सरकार से कुछ ना कुछ ले रही है और वो कहीं बिकी हुई है केजरीवाल जी से, हाँ तो उसका प्रचार कर रही है, प्रचार कर रही है वो, मैं नहीं कहूँगा भाई, सरकार में पता लग जाएगी तुम्हें कि सरकार किसकी बन रही है, मैं तो इतना कहूँगा बस। यूपी में भी और केंद्र में भी आपको आपको दिख जाएगा इसके अंदर, खुद उत्तर प्रदेश चाहते हैं, योगी जी का जो मॉडल बोल रहे हैं, योगी मॉडल है, बुलडोजर राज है, किसी को भी कभी भी कुछ भी मरवा देते हैं, इनकाउंटर करवा देते हैं, गलत घर किसी का भी बुलडोजर से गिरवा देते हैं। भाई मैंने वो बताया ना आपको कि अगर आप हिंदुस्तान में रहेंगे पाकिस्तान के गुण गाओगे तो बुलडोजर भी चलेगा, सारे काम होंगे, मेरे घर पे तो नहीं चला, मेरी दुकान है, मेडिकल स्टोर है मेरा, होलसेल का व्यापार है, मेरी दुकान पे तो नहीं चला बुलडोजर, कोई कारोबार करने में कोई दिक्कत ऐसे आती है? कोई दिक्कत नहीं आई, पहले के मुकाबले में क्या स्थिति बदलाव हुआ है? भाई काम तो देखो चल हल्के मंदे रहते हैं, ठीक है, अभी चुनाव है थोड़ा डाउन है, लेकिन ऐसा कोई दिखाई नहीं दिया कि काम से परेशान है लोग। जिस व्यवस्था में कैसा चल रहा है हमारे यूपी की तो बताऊँ, हमारे कानून की यूपी व्यवस्था बहुत अच्छी है, योगी जी के अंदर अच्छी व्यवस्था, बहुत अच्छी, तुरंत निस्कार, अभी हमारे यहाँ DCP साहब हैं गाजियाबाद के अंदर, उन्होंने 1100 मोबाइल बांटे हैं जो छीने थे लोगों ने, छीन छीन के लेके गए थे, वीडियोग्राफी हुई उनकी, वीडियोग्राफी करके उन्होंने 1100 मोबाइल बांटे हैं, तो इसलिए भाजपा सरकार में हो सकता है, मैं नहीं समझता किसी और सरकार में हो।